एस्तर की पुस्तक अध्याय पांच। एस्तर की पुस्तक अध्याय पांच। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब वह उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस चेवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। राजा और हामान एस्तर की तैयार की हुई जेवनार में आए। जेवनार के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा और तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूं वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस चेवनार में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकई को फाटक के राजफाटक के पास देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दकई के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुला भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का विभव और अपने लड़के बालों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हाकिमों और सब अपने और कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया है। तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दकई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दकई लटकाया दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से जीवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया।